दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन नॉलेज वर्ल्ड में। आज हम लोग पढ़ेंगे झारखंड के किला पार्ट टू। पार्ट वन में मैंने बता दिया था चेरू वंशी है, जो पलामू एरिया में जितने किले हैं उसको, और रामगढ़ वंश के, और धनबाद में जो झरियागढ़ राज्य के थे, पंचेत राज्य के थे, हजारीबाग में जो रामगढ़ राज्य के थे और चेरू राज्य के थे, सारे में बता दिया। इस चैप्टर में बस दो राज्य जो बच गए, एक नागवंशी है, नागवंशियों के, दूसरे सिंह वंशियों के। ठीक है, नागवंशी कहाँ राज करते थे? छोटा नागपुर खास। कौन सा एरिया? छोटा नागपुर खास, रांची, गुमला और लोहरदगा, उस एरिया को। सिंहवंशी लोग कहाँ राज करते थे? सिंहभूम में, स्पेशली पोरहाट में। पोरहाट का नया नाम है चक्रधरपुर, ठीक है, उस एरिया में। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं पहले नागवंशी पढ़ते हैं। हमने देखा कि पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था कि किले या राजप्रसाद जो होते हैं वो कहाँ बनेंगे? राजधानी में होंगे। तो हमको अगर राजधानी पता हो गया इन सारे के, तो आराम से हम पता कर सकते हैं कि ये किला कहाँ है। जैसे नागवंशियों के राजधानी, जितने भी राजधानी, 7 राजधानी थे, अगर पता चल गया तो पता चल गया छोटा नागपुर खास के एरिया में होगा। ठीक है, तो हम लोग पहले इसकी राजधानी पता करते हैं नागवंशियों की। पहला राजधानी सूतियांबे, दैट इज़ इन रांची ज़िला। ठीक है, उसके बाद चुटिया, ये भी रांची ज़िला में है। तीसरा इसकी राजधानी हुई थी खुखरा। ये खुखरा जब राजधानी थी तभी मुगलों ने आक्रमण किया था और उसको पूरा जगह का नाम खुखरा ही दे दिया, पूरा झारखंड का उन लोगों ने खुखरा ही दे दिया नाम। इसलिए आईने अकबरी या सल्तनत कालीन जितने भी पुस्तक है उसमें खुखरा नाम मिलता है झारखंड का। ठीक है, दोईसा से हो गया पालकोट के बाद ये गुमला में है दोस्तों, ये गुमला राजधानी चेंज होता है खुखरा। ये भी रांची और गुमला के बीच में है ये जगह। ठीक है, पालकोट के बाद थोड़ा सा दूरी है पालकोट भैरव, ये दूर नहीं, आसपास ही है दोनों, मतलब ये घर छोड़ के वो घर चला गया जब राजधानी चेंज हुआ था, बस यही। और 5, 6, 7वां इसकी राजधानी होगी रातू, जो रातू अपने रांची अभी कहीं गए होंगे तो सुने होंगे रातू रोड, रांची के आसपास ही, रांची ज़िला में रातू, ये आखिरी राजधानी थे इनको। और यहीं पर शत्रु का किला भी है, पूछेगा शत्रु का किला कहाँ है भाई? रांची में। वेरी गुड, शत्रु का किला, ये ऐसा नाम है सब पूछ भी सकता है बार बार। ठीक है, तो आपसे पूछेगा, देखिए यहाँ से तो शुरुआत हुआ था नागवंशी, यहाँ तक जो थी कि किलेबंदी ज़्यादा कुछ थी ही नहीं राजधानी में, ऐसे ही नॉर्मल स्वतंत्र रूप से राज्य करता था। फिर मुगलों का जन्म हुआ तो मुगलों में ने जब अटैक किया तो ये खुखरा को जीत लिया, खुखरा आसानी से खुखरा के राजमहल में घुस गया और राजा को कैद करके ले गया दुर्जनसाल को। दुर्जनसाल तब नागवंशियों का राजा था, और दुर्जनसाल को कैद करके कैद में रखा। तो वहाँ पे बादशाह ने एक बार कोई हीरा को आदमी परख नहीं पा रहा था कि ओरिजिनल है डुप्लीकेट है, और दुर्जनसाल बहुत अच्छा हीरे का पारखी था, वहाँ उसने बड़ी आसानी से देखते ही बता दिया कि ये हीरा नकली है या असली है, परख कर दिया। इससे बहुत खुश हुआ बादशाह, मुगल बादशाह, बोला कि जा बेटा तू राज कर, ऐस कर। और फिर दुर्जनसाल अपने राज्य में आ गया और अपना शासन काल चलाने लगा। लेकिन उसको ये शिक्षा मिली कि भाई खुखरा को हम ऐसे क्यों बिना किलेबंदी का नहीं छोड़ सकते हैं, एक अच्छे सेफ जगह पे हमें राजधानी बनाना पड़ेगा। तब दुर्जनसाल ने राजधानी दोईसा ले गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि दोईसा को राजधानी किसने ले गया? दुर्जनसाल ने ले गया। ठीक है, तो उसने दोईसा में सबसे पहले किया कि किलाबंदी की सुरक्षा की दृष्टि से, उसके बाद वहाँ पर अपना एक राजभवन बनाया उस किले में। उस राजभवन का नाम बहुत इम्पोर्टेंट है झारखंड एग्जाम के, उस नवरत्नगढ़ राजभवन। ठीक है, देखिए इसका नवरत्नगढ़ नाम 9 वर्ड से है, देखिए ये 9 दो तरह से पता चलेगा आपको। देखिए जैसे वैज्ञानिक प्रूफ के आधार पे क्या कहा जाता है कि इसमें 5 मंजिला थे ये, और हर एक मंजिले में नौ नौ घर थे, इसीलिए इसका नाम नवरत्नगढ़। और जनश्रुति के आधार पे जो वहाँ के नागवंशी लोग जो
जनश्रुति के आधार से, परंपराओं से जो बोले आ रही है बातें उसके आधार पे कहते हैं नहीं ये 9 मंजिला था, उसका कुछ मंजिला जमीन के अंदर धंस गया है, इसी 9 वर्ड से नवरत्नगढ़ राजभवन इसका नाम है दोस्तों। अब अगला क्वेश्चन है, ये जो ना ये पूछेगा कहाँ है भाई ये नवरत्नगढ़ का किला, तो ये है गुमला जिले में, और कभी कभी ये गुमला जिले में नगर ग्राम के पास है, नगर ग्राम वहाँ का बड़ा शहर जो आसपास में छोटा सा शहर है नगर ग्राम, तो इसमें कन्फ्यूज मत होइएगा कि गुमला में है, कभी कभी दे देगा नगर ग्राम में है, कहीं के दोईसा में है, तो ये नाम है नवरत्नगढ़ ठीक है, या दोईसागढ़ ऐसे भी दे देते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही सुंदर है, अगर नागवंशियों का सबसे सुंदर स्थापत्य कला है तो यही नवरत्नगढ़ को ही माना जाता है ठीक है। देखिए इसको नवरत्नगढ़ को क्या कहा जाता है, प्रस्तर स्थापत्य का पत्य का सर्वश्रेष्ठ नमूना, श्रेष्ठ नमूना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किसे कहा जाता है प्रस्तर स्थापत्य का सर्वश्रेष्ठ नमूना। प्रस्तर मतलब होता है पत्थर दोस्तों, पत्थर का यूज करके जो स्थापत्य कला बनती है उसको प्रस्तर स्थापत्य कहते हैं, तो इसको सर्वश्रेष्ठ नमूना कहते हैं। वो इस नवरत्नगढ़ भवन में जो किला है इसमें एक बहुत ही फेमस मंदिर है, बहुत ही फेमस, लोग वहाँ दूर दूर से जाते हैं, उस मंदिर का नाम आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है, उसका नाम है कपिलनाथ मंदिर ठीक है, कपिलनाथ मंदिर वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है। कपिलनाथ मंदिर बहुत ही सुंदर है, कपिलनाथ मंदिर को ही कहा जाता है, नवरत्नगढ़ के किला को भी कहा जाता है, साथ साथ कपिलनाथ को भी कहा जाता है कि प्रस्तर स्थापत्य का सर्वश्रेष्ठ नमूना ठीक है। इसको बनाया था कपिलनाथ मंदिर को राम शाह ने ठीक है, यदुनाथ शाह का दुर्जन शाह का बेटा राम शाह ने बनाया था। प्लस देखिए इसमें क्या है, ये किस शैली से बना है, दोईसागढ़ का जो कंगूरा शैली से बना है, कंगूरा शैली ठीक है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये दोईसागढ़ का जो नवरत्नगढ़ महल है ये कंगूरा शैली से बना है, कंगूरा शैली से मतलब ये है दोस्तों उसमें कांटेदार पत्थरों का ज़्यादा यूज किया गया है, परकोटे बोलते हैं कांटेदार पत्थरों को, इसीलिए से कंगूरा शैली कहा जाता है। और यहाँ पे नवरत्नगढ़ जो महल है वो भग्नावशेष अवस्था में टूटा फूटा है, लेकिन उसका एक खजाना घर जो है जहाँ पे नागवंशी राजा लोग अपने सोने चांदी हीरे जवाहरात रखते थे, वो खजाना घर आज बहुत सुंदर अवस्था में पड़ा हुआ है, कभी जाएंगे तो खजाना घर देखिएगा ठीक है। तो खजाना घर कहाँ है, दोईसा राजमहल में या नवरत्नगढ़ राजमहल में, कपिलनाथ मंदिर कहाँ है, तो वहीं है दोस्तों, इतना तो आपको जरूर याद होना चाहिए स्थापत्य कला, नागवंशी स्थापत्य कला में। इसके बाद आगे हम लोग चलते हैं दोईसा के बाद, अब जहाँ जहाँ जाएंगे वहाँ वहाँ किलेबंदी होगा, सबक ले लिया है राजाओं ने कि कोई भी अटैक कर देगा। देखिए इसके बाद पालकोट में, पालकोट में कहाँ है, गुमला जिले में है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पालकोट का किला या पालकोट महल कहाँ है, गुमला जिले में, इसको यदुनाथ शाह ने बनाया था ठीक है दोस्तों, यदुनाथ शाह याद रखिएगा। उसके बाद इसे एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, चिंतामणि मंदिर कहाँ है, चिंतामणि मंदिर कहाँ है, तो ये उसी पालकोट जो राजमहल है, पालकोट का जो किला है उसी में है चिंतामणि मंदिर। और चिंतामणि मंदिर क्यों इम्पोर्टेंट है, नागवंशियों का कुल देवता था, नागवंशियों का कुल देवता दोस्तों, ये जरूर याद रखिए, नागवंशियों का कुल देवता कौन था, चिंतामणि मंदिर। जैसे रामगढ़ राज्य का कुल देवता कौन थे, जो अभी छिन्नमस्तिका मंदिर, रामगढ़ के राजाओं के थे छिन्नमस्तिका मंदिर ठीक है। उसके बाद ढाल राजाओं के थे, ढाल राजाओं के रंकिनी देवी ठीक है। और यहाँ पे पुरुषों की बलि दी जाती थी दोस्तों, और रामगढ़ राज्य के राजाओं के, रामगढ़ राज्य में जो राजा थे उनके छिन्नमस्तिका देवी, छिन्नमस्तिका देवी, मस्तिका देवी ठीक है, जो वहाँ है राजरप्पा में है वही वाला मंदिर। और नागवंशियों का था चिंतामणि मंदिर जो कहाँ है, पालकोट में है, पालकोट एरिया में। उसके बाद देखिए पालकोट से पालकोट भैरव ले गया, ये भी गुमला में है, मतलब समझ लीजिए ज़्यादा दूरी नहीं है, थोड़ा दूरी में, एक बिल्डिंग छोड़ के दूसरे बिल्डिंग जाना इसको कहती है। अगला है आखिरी जो इसका
आखिरी किला था उसको रातू का किला कहते हैं, ठीक है। रातू रातू जो है, आप रांची गए होंगे तो रातू रोड सुने होंगे, रातू में इसकी आखिरी किला जो थी वो रातू में थी। तो ये रातू का किला जो है दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपको याद करने के याद आपको होना चाहिए, क्योंकि रातू का किला इकलौता किला था, इकलौता नहीं गलती से बोल दिया मैंने, आखिरी किला था, ठीक है, जिसको उदयनाथ शाहदेव ने बनाया था, उदयनाथ शाहदेव इसने बनाया था। रातू एक और चीज़ के लिए फेमस है दोस्तों, बॉल बियरिंग जो होता है ना, बॉल बियरिंग गाड़ी साइकिल हर चीज़ में लगता है ना, श्री राम बॉल बियरिंग का फैक्ट्री कहाँ है, श्री राम बॉल बियरिंग ये रातू में है दोस्तों, बहुत बार ये क्वेश्चन आ चुका है, रातू रातू रांची जिला में है, ठीक है दोस्तों। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पालकोट भैरव और रातू का किला, और शत्रु का किला भी रांची में है दोस्तों, शत्रु का किला जो है ये भी रांची में है, ये भी नागवंशियों से जुड़ा हुआ है, ये भी याद रखिएगा आप। अगला क्वेश्चन है, एक देखिए एक अधूरा राजमहल है दोस्तों, ठीक है, गुमला जिले में एक गांव है नागफेनी, ठीक है, गुमला जिले में, तो यहाँ एक अधूरा राजमहल है, अधूरा राजमहल, ये क्वेश्चन दो तरह से पूछ सकता है, नागफेनी राजमहल कहाँ है, गुमला में, और अधूरा राजमहल कहाँ है, गुमला में, ये पूरा नहीं हो पाया, ये जो ऐसे माना जा रहा है कि जो राजा ने इसको बनाना शुरू किया था वो अपनी राजधानी को चेंज करना चाहता था, यहाँ में से किसी में से एक जगह से राजधानी को नागफेनी ले जाना चाहता था, लेकिन वो बीच में ही मर गया, जिसके वजह से वो अपना राजमहल और किला भी बना नहीं पाया दोस्तों, इसलिए अधूरा किला रह गया और राजमहल रह गया, अधूरा राजमहल रह गया। तो कुछ कुछ जो इतिहासकार है कहते हैं कि नागफेनी उसकी राजधानी हुई थी एक बार, और बहुत मैक्सिमम इतिहासकार कहते हैं नहीं, नागफेनी कैसी राजधानी होगा जब उसका किला बना ही नहीं, अधूरा ही रह गया उसका किला। ये अधूरा राजमहल जो है ना, नागफेनी का किला जो है, इसमें एक राजा की अभी भी चित्र है, उसकी सात रानियां की फोटो है बगल में बैठी हुई एक पत्थर के ऊपर, और एक उसका कुत्ता है, इस तरह का है। नागफेनी कहने का मतलब है, देखिए क्यों नाम पड़ा, क्योंकि जो जिस पहाड़ में उसके किला बन रहे थे, ठीक है दोस्तों, उस पहाड़ में नागफेनी के बहुत सारे पेड़ थे और उनके पत्थरों में भी नागफेनी का चित्र मिलते हैं, इस वजह से इसको अधूरा किला भी कहते हैं या नागफेनी का किला भी कहते हैं, गुमला में है दोस्तों। और इम्पोर्टेंट एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन आता है नागफेनी वाटरफॉल कहाँ है, नागफेनी वाटरफॉल, ठीक है, ये वाटरफॉल ही जस्ट बगल में ही है, नागफेनी महल के जस्ट बगल में ही नागफेनी वाटरफॉल है, इसीलिए इससे दो क्वेश्चन याद आ गया, गुमला में क्या है, नागफेनी वाटरफॉल भी और नागफेनी किला या राजप्रसाद भी, ठीक है दोस्तों। तो नागवंशियों से जुड़ा जितना भी किला है उसको याद करिए, शत्रु का किला भी याद कर लीजिएगा दोस्तों, रांची में है, इसके बारे में ज़्यादा नहीं बता सकता हूँ, लेकिन इतना पता चला है कि आखिरी मतलब नागवंशियों के आखिरी जब जीवन था, मतलब आखिरी राजाओं के समय में ये बना था। देखिए नागवंशी ख़त्म कब हुए, 1952 ईस्वी में, ठीक है, नागवंशी 1952 तक चला, आज़ादी के बाद सारे जमीन नागवंशियों की, रामगढ़ राज्यों की जो ये थी ना कि सबसे बहुत ज़्यादा जमीन थे, तो जमीन एक कानून बना इससे ज़्यादा जमीन एक आदमी के पास नहीं हो सकता है, तो जमीन छीन लिए गए, गवर्नमेंट अपने कब्जे में कर ली, तो 1952 ईस्वी में ये राजवंश खत्म हो गए दोस्तों। लेकिन अभी भी रातू के किला में उसके परिवार के कुछ रहते हैं लोग, रातू के किला में। चलिए नागवंशियों द्वारा बनाया गया सारे राजमहल बता दिए, अब सिंहवंशियों दोस्तों, सिंहवंशियों अब हमें पता चला सिंहवंशियों कहाँ रहते थे, ठीक है, सिंहवंशियों का मेन एरिया जो था ना दोस्तों चक्रधरपुर था, ठीक है, चक्रधरपुर, ठीक है, वेस्ट सिंहभूम साइड, ठीक है, ईस्ट सिंहभूम में ढाल राजाएं ज़्यादा शासन करती थी, ठीक है दोस्तों, ढाल राजाओं के राज चलती थी, और वेस्ट सिंहभूम जो अभी एरिया है उसमें सिंहवंश की शासन काल थी, ठीक है, सिंहवंश। तो हम सिंहवंश के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे, देखिए सिंहवंश का क्या है, चक्रधरपुर के पास है, तो चक्रधरपुर इसकी राजधानी होगी। सबसे पहले वेस्ट सिंहभूम को हम लोग देख लीजिए, वेस्ट सिंहभूम में जो है तीन अनुमंडल हैं, एक सिंहभूम सदर,
एक जगन्नाथपुर, एक कोई दूसरा पुर है दोस्तों, वहाँ भी किला है, जहाँ पे दूसरा पुर है ना वो चक्रधरपुर, वही तो चक्रधरपुर, ये तीन उसके अनुमंडल है। तो जगन्नाथपुर में भी एक किला है, चक्रधरपुर में भी एक किला है, ठीक है। ये हम मैंने याद करने के ये बता देते हैं कि भूल ना जाएं आप लोग। तो पहले हम लोग पढ़ते हैं जगन्नाथपुर का किला। तो नाम से ही पता चलता है जगन्नाथपुर शहर जो है ना सिंह वंशीय जगन्नाथ सिंह के नाम से ही पड़ा है। जगन्नाथ सिंह एक राजा थे, उसी ने ये जगन्नाथपुर शहर को बसाया और अपनी राजधानी बनाया था, इसलिए उसका नाम जगन्नाथपुर पड़ा। और जो किला इसने बनाया था वो जगन्नाथपुर का किला नाम है, जगन्नाथपुर का किला, ठीक है दोस्तों। एक और नाम है जगन्नाथपुर का किला का, एक और नाम है जो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसे मिट्टी का किला भी कहते हैं। मिट्टी का किला क्यों? क्योंकि इसका मैक्सिमम भाग मिट्टी से बना है, मिट्टी का मैक्सिमम यूज किया गया है इस किला में। और जाहिर है कि मिट्टी का अगर यूज करेगा तो आज तक तो नहीं होगा ये किला, मगर उसके कुछ प्रमाण मिलते हैं, ठीक है। जगन्नाथपुर का किला में इतना ही। अब चक्रधरपुर का राजवाड़ी, ठीक है, चक्रधरपुर का राजवाड़ी या किला, तो ये कहाँ होगा? चक्रधरपुर में होगा। किसने बनाया? सिंह राजाओं ने बनाया, सिंह राजाओं ने बनाया, ठीक है दोस्तों। सिंह राजा में भी किसने? नरपति सिंह, उसका नाम था नरपति सिंह। इसकी जो नरपति सिंह की बेटी थी ना, इतनी गरीबी हालत में चल गई कि खाने पीने का भी ये हो रहा था, कष्ट हो रहा था। इसकी बेटी ही थी इसकी उत्तराधिकारी, शशांक मंजरी नाम था। तो गुरुवत की हालत में, गरीबी की हालत में शशांक मंजरी ने इसे लोकल, वहाँ के लोकल जो अमीर आदमी थे उसको बेच दिया। तो अभी ये राजमहल रह नहीं गया, ठीक है दोस्तों। तो ये किसी का पर्सनल प्रॉपर्टी बन गया है। अब और दो किला है दोस्तों, ये हो गया सिंह वंशियों का किला, एक केसनागढ़ का किला और एक जेतगढ़ का किला। ये जेतगढ़ का किला जो है, ये जगह का ही नाम है जेतगढ़ एक एरिया गांव है जेतगढ़। और ये जो है किला, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि वेतरणी नदी के किनारे कौन सा किला है? वेतरणी नदी के किनारे है ये जेतगढ़ का किला। और इसे बनाया था दोस्तों अर्जुन सिंह ने, अर्जुन सिंह बोल के सिंहवंशी शासक था अर्जुन सिंह। तो सिंहवंशी में तीन आपको याद रखना पड़ेगा, किला जेतगढ़, सब वेस्ट सिंहभूम में ये, ईस्ट सिंहभूम तरफ जाने की जरूरत ही नहीं है, और सरायकेला खरसावां भी जाने की जरूरत नहीं है। जेतगढ़ का किला, जगन्नाथपुर का किला और चक्रधरपुर का किला। एक और किला का प्रमाण मिलता है जो इसको सिंह वंश से कोई लेना देना नहीं दोस्तों, किला का, वहाँ के सिंह वंश के अधीन, सिंह वंश एक बड़े एरिया का राजा था, उसके अधीन एक दो और छोटे छोटे राजा काम करते थे, उसी में से एक राजा का नाम था केसना। तो उसी केसना ने केसनागढ़ का किला बनाया, केसनागढ़ का किला, ठीक है दोस्तों। और ज़्यादा जानने की मेरे ख्याल से ज़रूरत नहीं है, बस ये आप याद रखिए केसनागढ़ का किला जो है, इसको इतिहासकार बताते हैं कि ये आग लग गया था इस किले में, आग के प्रमाण मिले हैं, मतलब जले हुए जो दीवार है, जले हुए जो घर का दरवाज़ा है, जो राजमहल का सामान, ये सब खुदाई से मिला है, इसलिए पता चला कि ये आगजनी से केसनागढ़ का किला का अंत हुआ। तो दोस्तों मैंने सारे किले, जितने भी किले हैं, सारे को कवर कर दिया दो वीडियो में, दोनों वीडियो देख लीजिए। अगर आप इसमें डायरेक्ट आए हैं तो पहले वाला भी देख लीजिएगा। तो किला मैं ख़त्म करता हूँ, अगला कुछ दूसरा वीडियो मैं बनाऊँगा आप लोगों के लिए। बेल बटन दबा लीजिए आप लोग, सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को, अगर नहीं किए हैं तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।